गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम परम कृपालु परम दयालु ठाकुर बाल कृष्णलाल प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य चरण श्रीमद वल्लभ प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए त्रिलोक वंदनीय पूज्या गो माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त जनों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हुए आइए जो भी समय प्रभु कृपा से हम आप सबको प्राप्त हुआ है उस समय को सार्थक करने के लिए कुछ एक क्षण भगवत चर्चा करें। भगवान की बाल लीलाएं कल हम सब लोगों ने सुनी। वैसे तो ठाकुर जी की बाल लीलाओं का कोई पार नहीं है। एक दिन में कुछ घंटों में कह दिया जाए ऐसा प्रभु का बाल चरित्र नहीं है। प्रभु की
बाल लीला अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। प्रभु की बाल लीला दर्शन करने पर हृदय में वात्सल्य भाव पैदा होता है। भगवान बाल कृष्ण लाल एक नन्हे बालक बने हुए ब्रज में लीला करते हैं। उन्हें देखकर कोई गोपी आवाज देती है तो दौड़ते हुए से आ जाते हैं उस गोपी के पास। प्रभु ऋषियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि हे प्रभु, हम आपको बुलाते हैं अत्यंत आदर पूर्वक, श्रुतियों का सहारा लेकर, आपके नाम के साथ अनेकानेक दिव्य उपमाओं को जोड़कर हम आपको बुलाते हैं, लेकिन आप बरसों बरस बीत जाते आते नहीं, और ये ब्रज की गोपियां आपको बिल्कुल एकदम विचित्र शब्दों में बुलाती है, जो शब्द ना तो कोई व्याकरण में है ना कोई संस्कृत साहित्य में है, ऐसे शब्द। अरे ओ कनुआ, अब ये किसमें है? अरे वो कहां आता है बताओ? ऐसे शब्दों से आपको बुलाती है और आप दौड़े आते हैं। हे प्रभु, क्या हम भी आपको यदि अरे ओ कनुआ कहकर बुलाएं तो आप आ जाएंगे? भगवान कहते हैं कि गोपी जैसा शब्द बोलती है वैसा गोपी का मन भी है, हम जैसा बोलते वैसा मन नहीं होता हमारा। हम भगवान को जैसा पुकारते वैसा हमारा मन नहीं होता है, पर गोपी भगवान को जैसा कहती है वैसा गोपी का मन है। इसलिए भगवान कहते हैं ऋषियों, आप गोपियों की देखा देखी करना नहीं, ये प्रेम पुष्ट है, आप ज्ञान पुष्ट है। ज्ञान में तो ज्ञानी को ही आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रेम में तो प्रियतम को आना पड़ता है। इसलिए आप ज्ञान मार्ग से बढ़ रहे हैं, गोपियां प्रेम मार्ग से बढ़ रही हैं। प्रभु प्रेम मार्ग बड़ा अद्भुत मार्ग होता है। वैसे तो प्रेम मार्ग के कई सिद्धांत हैं, लेकिन एक मुख्य सिद्धांत निवेदन कर रहा हूं। अपने प्रियतम के सुख को, अपने प्रियतम की प्रसन्नता को सर्वोपरि मानना, ये प्रेम का सबसे बड़ा सूत्र है। तो गोपियों ने इस सूत्र को मान रखा है अपने जीवन में। गोपियां भगवान श्याम सुंदर के सुख को ही सर्वोपरि मानती है। एक भक्त ने कहा कि यदि गोपियां ठाकुर जी के सुख को ही सर्वोपरि मानती है तो फिर गोपियां ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश क्यों करती थी, ठाकुर जी को बांधने की कोशिश क्यों करती थी? प्रभु
इसमें भी ठाकुर जी का सुख समाया हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी माखन चोरी किस लिए करते थे? पेट भरने के लिए नहीं, गोपियों को चिढ़ाने के लिए। ठाकुर जी माखन चोरी करते थे गोपियों को चिढ़ाने के लिए। अब अगर गोपियां न चिढ़े तो क्या ठाकुर जी को सुख मिलेगा? हम कभी अपने छोटे भाई को चिढ़ाते हैं और जब वो खींच दिखाता है तो हमें आनंद आता है, वो चिढ़ता है तो लेकिन वो बिल्कुल भी न चिढ़े तो हम अपने ऊपर खींच जाते हैं कि अरे ये चिढ़ता ही नहीं, ये खींचता ही नहीं प्रभु। तो इसलिए गोपियां उलाहना लेकर जाती है, ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश करती है, ठाकुर जी के चिढ़ाने पर चिढ़ती है, तो इसमें ठाकुर जी का सुख है इसलिए ऐसा करती है। बाकी जब गोपी ठाकुर जी की शिकायत माँ यशोदा को करती है और माँ यशोदा जब कहती ठीक है तो आज से मैं अपने कान्हा को घर से बाहर ही नहीं भेजूंगी, अभी पिटाई करती हूँ इसकी, तब गोपी फिर बदल जाती, फिर कहती नहीं नहीं हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, बस तू थोड़ा सा इसको बरज। मैया कहती है कि बरज के तो देख ले ये मानता नहीं है, ये तो पिटाई खाएगा तभी सुधरेगा। बोले नहीं नहीं पीटना नहीं मैया, पीटना नहीं। ऐसी गोपी है। गोपी का वर्णन करना बहुत, मेरे भाई बहन हम तो किसी योग्य नहीं, आप लोग बड़े कृपालु हैं जो हमारी टूटी फूटी वाणी सुनते हैं। बाकी ऐसे गोपी कृष्ण प्रेम रास पंचाध्यायी गिरिराज लीला बाल लीला ये प्रसंग तो कोई कृष्ण में पूर्ण रूपेण रंगा हुआ संत कोई वैष्णव कह सकता है? बाकी मेरे भाई बहन हम जैसे माया में विषय में आटा दाल के चक्कर में फंसे हुए क्या कहें, हम तो खुद को एकदम अयोग्य मानते हैं। कथा के लोभ से हाथों भर देते हैं कि हाँ भाई कथा कहने को मिलेगी, लेकिन फिर बाद में बहुत ऐसे लगता है जैसे मशीनों के भरोसे ऑर्डर बुक तो कर लिए जाते हैं लेकिन समय पे डिलीवरी नहीं होती, ऐसा हाल होता है कि हाँ हमारी बुद्धि हमारा मन हमारी आत्मा बहुत अच्छे अच्छे भाव देगी और हम कथा सुनाएंगे इस भरोसे में कथा की हाँ तो भर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रसंग आते हैं तो सब जवाब दे जाते हैं कैसे कहें। गोपी के लिए क्या कहें, मदन गोपाल अपने बस कीनो, जिसने भगवान को अपने वश में कर रखा है। ब्रह्मा जी जहां ठाकुर जी को कहते हैं कि हे गोविंद तुम इन ब्रजवासियों के ऋणी हो, हे श्याम सुंदर हे गोपाल हे गोविंद हे प्रभु आप चाह करके भी इन गोपियों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, आप यहां फंस गए आप यहां से छूट नहीं सकते, ऐसी ब्रज की गोपियां हैं। प्रातः काल उठते ही जिस गोपी के एक ही धुन सवार गैया चराने जाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कब हो, जो ठाकुर गाय चराने जा रहे हैं उनको मैं देखूं, और जब गाय चराने जाते हुए गोपाल का दर्शन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि शांति हो जाए,
हम तो सुबह सुबह एक बार ठाकुर जी का दर्शन कर लेते, दिन भर आराम रहता है कि हाँ मंदिर जाके आ गए। लेकिन गोपी का मन तो गोपी का मन है भाई, गोपी को चैन नहीं पड़ता है। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तब गोपी उस समय दर्शन करती है, और उस समय दर्शन करने के बाद अब संध्या को लौट कर कब आएंगे इसका इंतजार चालू। और संध्या को जब ठाकुर जी फिर से गैया को लेकर आते हैं तो फिर ठाकुर जी का दर्शन करती है, और फिर तो आराम, फिर तो चैन नहीं, फिर कि अब सुबह कब होगी और कब फिर से श्याम सुंदर का दर्शन करूं। कृष्ण दर्शन लालसा के अलावा जिस गोपी के जीवन में और कोई दूसरा काम ही नहीं, प्रभु वही तो गोपी है। हम लोगों के जीवन में कितना काम है, ठाकुर के आगे तो हम कुछ मिनट भी नहीं रुक पाते हैं, प्रभु के आगे तो कुछ मिनट भी नहीं रुक पाते हैं। इतना काम इस शरीर को लगा हुआ है, इतना काम लगा हुआ है, लेकिन गोपी के कोई काम नहीं। कृष्ण के लिए गोपी हर समय फ्री है, हर समय फुर्सत में। कृष्ण के लिए गोपी हर समय तैयार है। कृष्ण का कोई संकेत होना चाहिए बस, फिर सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार। श्याम सुंदर को गैया चराते चराते वन में भूख लगती, पर श्याम सुंदर बांसुरी बजाते और उस बांसुरी के स्वर में, उस बांसुरी के स्वर को सुनकर और गोपियां समझ जाती कि कन्या को भूख लगी है, और कुछ भोजन सामग्री लेकर दही पूरी मठा माखन लेकर और जहां श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे होते वहां पहुंच जाती। ऐसी थी गोपियां। आहा, श्याम सुंदर उन्हीं गोपी जन गैया चराते हैं, वन में ग्वाल बालों के साथ ठाकुर जी भोजन करते हैं। सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुछ न कुछ सामग्री बना के लाते हैं, और ठाकुर जी जब खेलते खेलते पहले तो गैया चराते हैं, फिर गैया जब वन में चरने निकल जाती है तो आप यमुना के किनारे आ जाते हैं, और फिर यमुना जी में खूब नहाते हैं। श्याम ढाक पे चढ़ चढ़ के कूदते हैं, अद्भुत आनंद आता है। श्याम ढाक पे चढ़ चढ़ के कूदते हैं, खूब नहाते हैं, नहाते नहाते फिर ठाकुर जी को भूख लगाती है, फिर किनारे पर रखे हुए अपने पीतांबर से अपने श्रीअंग को पहुंचते हैं। ग्वालिये दौड़ करके पुष्प चुन कर लाते हैं, फूल चुन कर लाते हैं, और फूलों से सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार बनाते हैं। सुंदर फूलों के कुंडल बना के ठाकुर जी के कान में लगाते हैं, सुंदर फूलों का हार बना के ठाकुर जी को पहनाते हैं,
थोड़ी लता पताएं, थोड़े फूलों के गुच्छ, उन सबको जोड़कर ठाकुर जी के मस्तक पर ऐसे खोंस देते हैं और मुकुट बना देते पुष्पों का। बड़ा सुंदर एक मयूर पंख लाकर ठाकुर जी के माथे पर धराते हैं। अब ठाकुर जी कहते, भैया अब तो भूख लग रही है, आओ सब मिलके भोजन कर लें। हाँ हाँ लाला, हमको भी भूख लग रही है। और सब ग्वाल बाल गोल घेरा बना के बैठ जाते और सब अपना अपना जो सामग्री लाए वो सब खोलते। लाला देख, मेरी मैया ने पूरी बना के भेजी है। लाला देख, मेरी मैया ने मछली बना के भेजी है। देख लाला, मेरी मैया ने खाजो बना के दियो। अरे लाला देख, मेरी मैया ने तो तेरे काजे विशेष दही भात बना के दियो है। अरे लाला, मेरी मैया ने तो तेरे काजे दार भात बना के दियो है। ए बंसुका बोलो, देख देख, तेरी भाभी ने पकौड़ी बना के दिए। ऐसे सब अपनी अपनी सामग्री ठाकुर जी के आगे करते हैं और ठाकुर जी सब की सामग्री में से थोड़ा थोड़ा लेके खाते हैं। और खाने के बाद ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करते। अरोगने के बाद ठाकुर जी उस सामग्री की भरपूर प्रशंसा करते हैं। मनसुखराम, तेरे घर की पकौड़ी बड़ी जोरदार है रे, कैसो अद्भुत स्वाद है आपको, बड़ी बड़ी चटपटी चटाकेदार है। बा भाभी को कहियो अब रोज बनाए के भेजे। अरे मधुमंगल, तेरो दही भात तो कहा कहनो है। अरे ऐसो लगे जैसे तेरी मैया को कई ते अमृत हाथ में लग गयो, ऐसो अद्भुत मिठास है तेरे यार दही भात में, तो अद्भुत कहा कहनो है। सब की सामग्री की खूब सराहना करके खाते ठाकुर जी और अपने घर से जो माखन रोटी ठाकुर जी लाए हैं, वो अपने घर की वो माखन रोटी ठाकुर जी सब के आगे कर देते हैं कि लो ले भैया, तू भी ले खाएगो। ए मनसुखा भैया, खाएगो का लेगो का प्रभु। और श्री ठाकुर जी इस प्रकार सबके साथ खाते। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप लोगों ने सबने सुनी होगी। ठाकुर जी एक दिन श्रीदामा से बोल के उसके हाथ कड़ी मंगवाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम सामग्री में और बहुत ही सहज सामग्री में बनने वाली ये कड़ी है। कड़ी बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो सब जगह मिलती है और ज्यादा महंगी भी नहीं। तो बड़ी सुंदर वो कड़ी लेके आया, पर संकोच कर गया और संकोच के मारे पेड़ के पीछे खड़े होके अकेला ही कड़ी को खाने लगा। ठाकुर जी की नजर पड़ गई। ठाकुर जी ने कही, अकेला कैसे खा रहा है, मंगाई तो मैंने अपने लिए थी और ये अकेला खा रहा है। दौड़ के ठाकुर जी ने वो कड़ी खींच लिए, बर्तन खींच लिया, ऐसे माटी की हंडी में थी कड़ी खींच ली और कह, क्यों रे, मेरी मैया ने तो मेरे लिए बनाए के भेजी और तू अकेलो ही खा रहे हो, दे इधर। अब सीधा मकई, लाला ये तो बड़ी खट्टी है। बोले, खट्टी तो और ज्यादा अच्छी लगे, तू मोए दे। और वहां कड़ी में हाथ डाल के और ठाकुर जी ऐसे खाए वे। श्रीदामा, इतनी स्वादिष्ट कड़ी और तू अकेलो खा रहे हो, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी।
और हाथ हंडिया में हाथ घुमाए घुमाए के खा रहे थे। अब हंडिया को मुख छोटो, अब वह हंडिया की जो किनारी हती वहां को ठाकुर जी चाटे। फिर भी ठाकुर जी कहे कि मैं तो और कड़ी चाहिए, तू और लाए के दे। बोले और काते लो, जितनी थी वो सगरी वह गई पूरी। ठाकुर जी ने देखा श्री दामा ने पहले कड़ी खाई थी तो उसके कुछ पेट पर कड़ी गिरी हुई थी, उसी को ठाकुर जी चाटने लगे। अब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। और मेरे भाई बहन, ये दृश्य ऐसा है कि अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाए इस दृश्य को देखकर। आपने जिन गोपाल जी को अपने मंदिर में बिठा रखा है, वो ऐसे अगर किसी के पेट पर गिरी हुई कड़ी चाटने लगे तो आप शायद भगवान नहीं मानेंगे उनको। ये कैसा भगवान, हम तो नहा धोकर इतनी पवित्रता से जिनके लिए भोग बनाते हैं और वो ऐसे पेट पर पड़ी कड़ी चाटते हैं। और मेरे भाई बहन, हमारे तो एक खोपड़ी है, एक मती है, लेकिन जिन ब्रह्मा जी के चार मती है, चार मत है, वो चारों में ही नहीं बात जमी। और उन्होंने ये सोच लिया कि ये भगवान तो नहीं है, भगवान जैसे मान लिया है हमने इनको, ये कोई सिद्ध है जिसको मान लिया है। यदि ये भगवान है तो हम इनकी परीक्षा करते हैं। और ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ठाकुर जी के जो ग्वाल बछड़े थे उनको ब्रह्मा जी ने छुपा दिया। ग्वाल वाल चिंता करने लगे, लाला बछड़े कहां गए, ठाकुर जी बछड़े लेने गए तब तक ग्वाल बालों को छुपा दिया। ठाकुर जी से तो कुछ छुपता नहीं है, ठाकुर जी सब चीज समझ गए और ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप से नए ग्वाल बाल और नए बछड़ों को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप से, अब संध्या के समय सब बछड़े अपनी अपने गैया मैया के पास गए, सब ग्वाल बाल अपनी मैया के पास गए, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये कोई और है। लेकिन एक विशेष घटना क्या घटी कि जब ये बछड़े गैया के पास गए तो गैया ने विशेष स्नेह पूर्वक, गैया ने विशेष स्नेह पूर्वक इनको दूध पिलाया। गैया को ऐसा लगने लगा कि जैसे बछड़े दूध नहीं पी रहे, साक्षात श्री कृष्ण दुग्ध पी रहे। संध्या को जब वो ग्वाल बाल अपनी मैया के पास गए और मैया ते के मैया मोय माखन खानो है, तो उनकी मैया को ऐसा नहीं लगा कि हमारा वो रोज वाला मधुमंगल मनसुका माखन मांग रहा, ऐसा लगा कि साक्षात श्री कृष्ण आज घर में आए हैं और वो हमसे माखन रोटी मांग रहे हैं। तो गोपियों ने बड़े चाव से ठाकुर जी को खिलाया और श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि साल भर तक ये लीला चली। साल भर तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये कन्हैया ही सब बना हुआ। प्रभु श्री ब्रह्मा जी को अब अपनी भूल का भान हुआ कि मैंने बड़ी भारी भूल करी, मैंने बड़ी भारी गलती करी, अब क्या करें। नारद जी से पूछा, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, आज हमारे भूदेवों ने एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि
ब्राह्मणों की और संतों की महिमा जैसी भगवत प्रेरणा हो आप सबके सामने कहूं तो ये विशेष महिमा है ब्राह्मणों की संतों की। क्या कि जीव के अपराध को क्षमा कराने का काम ब्राह्मण और संत करते हैं। और जीव का अपराधी नहीं देवापराध। ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन कौन कर रहे? नारद जी कर रहे। इंद्र को मार्गदर्शन किसने किया कि तू इस तरीके से जा तो तुझे माफी मिलेगी? नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि तू सुरभि गाय को आगे लेके जाना, नहीं तो बचेगा नहीं तू, क्योंकि तेरे अपराध के कारण ठाकुर जी को बहुत कष्ट हुआ। ठाकुर जी को कोई जीव ऐसा अपराध करे जिससे ठाकुर जी को कष्ट हो तो ठाकुर जी इतने नाराज नहीं होते जितने किसी के अपराध से ठाकुर जी के जनों को कष्ट हो, उनके भक्तों को कष्ट हो, उनके प्रेमी जनों को कष्ट हो तो ठाकुर जी ज्यादा नाराज होते। और तेरी गलती के कारण ब्रजवासियों को कष्ट हुआ है, गैया को कष्ट हुआ है, इसलिए अपना बचाव चाहता है तो गैया को आगे लेके जाए। तो संत और ब्राह्मण ये काम करते हैं। मेरे भाई बहन, हमने संत को ब्राह्मण को प्रासंगिक मान लिया। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं भी ब्राह्मण हूं इसलिए ऐसी बात बोल रहा, लेकिन आपको बोध तो कराना ही है। हमने ब्राह्मण को प्रासंगिक मान लिया है। श्राद्ध पक्ष आता है तो हमको ब्राह्मण की महिमा का एकदम से स्मरण हो आता है। श्राद्ध पक्ष आता है तो एकदम ब्राह्मण की महिमा का स्मरण हो आता है। दीपावली की लक्ष्मी पूजा हो तो हमें एकदम से ब्राह्मण का स्मरण, ब्राह्मण की महिमा का स्मरण हो आता है। और बाकी दिनों में महाराज ब्राह्मण ब्राह्मण के घर, सेठ सेठ के घर, यजमान यजमान के घर, किसी को कुछ नहीं। मेरे भाई बहन, भगवान ने ब्राह्मण को दो बातें दी है, दो बातें दी है, और उन दो बातों के कारण ब्राह्मण के माध्यम से निवेदित वस्तु को, भावों को, क्रिया को ठाकुर स्वीकार करता है। क्या? एक तो शुद्ध हृदय और पवित्र वाणी। शुद्ध हृदय और पवित्र वाणी, ये भगवान ने ब्राह्मण को विशेष दिया है। मेरे भाई बहन, मैं हमारे ब्रजवासी भूदेवों को तो नहीं, लेकिन जितने इस समाज में, राष्ट्र में भूदेव, उन सबसे ये विनती अवश्य, अवसर मिलता है तो करता हूं कि प्रभु के द्वारा दिए हुए इस प्रसाद को हम ब्राह्मण भी सुरक्षित रखें। शुद्ध हृदय और पवित्र वाणी, इसी के कारण ब्राह्मण जो बोलकर वस्तु निवेदित करता है तो ठाकुर जी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। बाकी पुष्पम समर्पयामी, क्या ये सेठ जी नहीं बोल सकते? पुष्पम समर्पयामी, पुष्प चढ़ाते समय यही बोलते हैं, पुष्पम समर्पयामी, तो आप भी बोल सकते हो, फिर क्यों पंडित जी को बुलाते हो? क्योंकि हमारा पुष्प चढ़ाने के पीछे स्वार्थ है, लेकिन पंडित जी जो बोल रहे पुष्पम समर्पयामी तो इनका कोई स्वार्थ नहीं। पंडित जी के पूजा कराने से ठाकुर प्रसन्न होता है, आपके देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपको लाखों रुपयों का लाभ होता है, पंडित जी उसमें से कोई परसेंटेज मांगते हैं कि हमने लक्ष्मी पूजा कराई तो तुमको इस साल करोड़ रुपया का लाभ हुआ तो चलो 5 लाख तो हमें दो? वो नहीं मांगते। क्यों? शुद्ध हृदय है, शुद्ध हृदय। और दूसरा, ब्राह्मण की वाणी सतत भगवत गुणगान गाने में इतनी तल्लीन रहती है कि उसको किसी और की निंदा करने की फुर्सत नहीं। और जो किसी और की निंदा नहीं करता है
उसकी वाणी पवित्र रहती है। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों के अध्ययन के लिए इतने ग्रंथ बना दिए कि दिन भर इसी में लगे रहो। एक अच्छे आचार्य के मुख से सुना है महाराज जी कि अगर ब्राह्मण अपने नियत यानी जो ब्राह्मण के लिए आवश्यक कर्म है दैनंदिन रोज के वो करे तो उसको कहीं जाने की टाइम न मिले। तो भगवान ने ब्राह्मण को इतना व्यस्त बना के भेजा है। अगर वो दिन भर अपना जो व्यवस्थित संध्या दैनंदिन पाठ कृत्य करे तो उसको कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिले, इतनी व्यस्तता होती। तो ये सब भगवान ने किस लिए बनाए, इतने शास्त्र इतने वेद उपनिषद पुराण और बना करके अधिकारी के रूप में ब्राह्मण को रखा, क्यों? ताकि ब्राह्मण इन सब में व्यस्त रहे, भगवत गुणगान में व्यस्त रहेगा तो किसी की निंदा करने की उसको समय ही नहीं मिलेगा, और निंदा करने का समय नहीं मिलेगा तो उसकी वाणी पवित्र रहेगी। इसलिए ब्राह्मण की वाणी पवित्र होती है और स्वार्थ नहीं होता। क्षमा करना मेरे भाई बहन, मेरी बात को आप रुपयों से नहीं जोड़ना, ये भूदेवों ने पूछ लिया इसलिए थोड़ा बोल रहा हूं, बाकी मैं नहीं बोलता हूं। मेरी बात को रुपयों से नहीं जोड़ना मेरे भाई बहन। करोड़पति व्यक्ति भी यदि पंडित जी से, हम एक दो भूदेवों से मिले महाराज, करोड़पति के यहां भी अगर पंडित जी दीपावली की पूजा करवा रहे हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये हमको कोई लाख रुपए भेंट कर देगा। उनके अपेक्षा ही है कि ये 500 रुपए भी दे तो बहुत बड़ी भेंट। ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है महाराज, इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे मेरे भाई बहन। ये ब्राह्मण का विशेष गुण है, इसीलिए भगवान इनके कहे हुए शब्दों को स्वीकार करके हमारी सामग्री को, हमारे आग्रह को स्वीकार करते। लेकिन हम लोगों की भूल क्या है, हम लोगों के लिए ब्राह्मण एक प्रासंगिक विषय है। प्रसंग आवे तो ब्राह्मण की बहुत महिमा है, प्रसंग निकल जाए तो फिर वह मेरे भाई बहन, या तो महात्मा महाराज जी क्षमा करिएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा ये सब व्यवस्थित से। लेकिन हमने बहुत जगह देखा है कि जब पंडित जी आते हैं पाठ इत्यादि करने के लिए उस समय खूब ध्यान से, लेकिन कथा पूरी होने के बाद पंडित जी अटैची लिए खड़े रहते, भाई हमको कोई गाड़ी तक छोड़े आओ, कोई करे आओ, कोई कोई नहीं आता भाई। ऐसा हमने देखा, हमारे साथ भी कई बार हुआ महाराज जी, हमारे साथ भी कई बार। सुना सुनी की ना कहूं, आंखों देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए अब फीकी पड़ी बरात। मेरे भाई बहन, लेकिन इस बात को विनोद में नहीं लेना, गंभीरता से लेना। घर में बेटी का विवाह होता है, ये मेरी बात नहीं है महाराज, जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये पूज्य श्री प्रेमा पांडुरंगा जी कथा कहती है बहुत अच्छी, प्रेमा पांडुरंगा जी, उनकी बात बता रहा हूं, उन्होंने जो कहा है वो बता रहा हूं। कि बोले कन्या का विवाह होता है और कन्या के विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा नारायण, हाथ जोड़ के प्रार्थना। पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी आते हैं भाई, पंडित जी को लेने के लिए मोटर कार भी भेजते हैं, पांच बार फोन भी करते हैं, पंडित जी समय पे आ जाइएगा, समय पे आ जाइएगा। पंडित जी आ जाते हैं, आने के बाद पंडित जी अपने हवन इत्यादि की तैयारी करते हैं, अब फिर कहलवा देते भाई वर वधु को ले आओ, तैयारी है पाणी ग्रहण संस्कार करवाए। महाराज सबसे विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य क्या होता है, पाणी ग्रहण संस्कार। यदि वो न हो तो आप भले ही दिल्ली से कोई पार्टी बुला के नाच गान कराओ, चाहे कलकत्ता से कोई रसोईया बुला के भोजन बनाओ, चाहे बंबई का टेंट लगाओ, आपके बेटा बेटी का विवाह मान्य नहीं होगा अगर वो पाणी ग्रहण संस्कार न हो। तो विवाह की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पाणी ग्रहण संस्कार, और उसको संपन्न कराने वाले ब्राह्मण देवता। लेकिन
रात को 12 बजे पंडित जी वो फेरे कराते हैं, 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, पंडित जी कहते हैं भैया अब हमको सुबह 5 बजे मंदिर की सेवा में लगना है, इसलिए किसी को कह दो हमें छोड़ कर आ जाए। लेकिन महाराज अब क्या, अब हो गया काम, ब्याह हो गया, अब महाराज वो बेटी का बाप क्या और बेटे का बाप क्या लेन देन में लगे। बोले पंडित जी ये लो 20 रुपए लो रिक्शा करके चले। अबे रात को 2 बजे कौन रिक्शा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार लेके खड़ा है? 20 रुपए पकड़ा दिए पंडित जी को कि लो आप रिक्शा लेके और चले जाओ। मेरे भाई बहन अब वो ब्राह्मण देवता भी समझ जाते कि अब इनका, इनको 10 बार कहेंगे तो भी 20 के 30 कर देंगे, और कुछ ये करने वाले। और मेरे भाई बहन और दक्षिणा क्या आप पाणी ग्रहण संस्कार कराए उसकी मुझे कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो आप मेरी बात को अर्थ से जोड़ लेंगे। क्या दक्षिणा सोचो, जो भी खैर छोड़ो, वो 20 रुपए 30 रुपए पंडित जी को दे दिए। अब पंडित जी वहाँ रात को 2 बजे उस भवन के बाहर रिक्शे का इंतजार करते, लेकिन रात को 2 बजे कौन रिक्शा मिले, मिलता नहीं। पंडित जी को पैदल जाना पड़ता है, रास्ते में कुत्ते पीछे पड़ते हैं, कई तकलीफ आती है, कई अड़चनें आती है, कई जने पूछते कितनी पीड़ा पाते वो ब्राह्मण देवता घर पहुँचते, सोचो। मेरे भाई बहन इस प्रकार यदि हमारे व्यवहार से उन ब्राह्मण देवता को कष्ट उठाना पड़े, उन्हें प्रसन्न करना तो कहीं रहा, तकलीफ और दे दी, तो सोचो उससे क्या आशीर्वाद मिलेगा। मेरे भाई बहन ऐसी भूल हम लोगों से बहुत बार होती है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्राह्मण तो भैया धन के लिए सब काम कराते, पैसों के लिए सब काम कराते। मैं मानता हूं कई स्थानों पर ऐसी बात कहीं घटित हो गई होगी या होती होगी, लेकिन मेरे भाई बहन ऐसा सब जगह आप धारणा न बनाए। आप अपनी धारणा को एकदम पुष्ट बना के चले। आप अपनी दृष्टि में ब्राह्मण को भगवान का मुख समझिए, ब्राह्मण को भगवान का निमित्त किया हुआ एक सतपात्र समझिए और उनका आदर करिए। आप जीवन में निश्चित रूप से प्रगति पाएंगे। मेरे भाई बहन ये दास जो कुछ भी टूटा फूटा आप लोगों के सामने बोलने का साहस करता है तो ये सब ब्राह्मण देवताओं की कृपा से ये सब हो रहा है, बाकी अपनी निजी कोई भी सामर्थ्य नहीं है। तो ब्राह्मण क्या करता है, संत क्या करते हैं जीवन में, परमात्मा के आगे हम क्षमा याचना कैसे करें, हम माफी कैसे मांगे, ब्राह्मण हमारे को प्रस्तुत करवाते हैं अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी पूजा विधि के द्वारा, और हमारे लिए क्षमा मांगता है भगवान से। मेरे प्रभु पूजा अनुष्ठान में बैठा है यजमान, लेकिन उसके लिए उसके अपराधों के लिए पाठ कौन करते हैं पंडित जी, उसकी भूलों के लिए अपनी संध्या वंदन का फलदान करते हैं उसको यजमान को कि मैंने सुबह जो किया उसको तेरा, शाम को किया वो तेरा। तो इसलिए मेरे भाई बहन बस ज्यादा तो मुझको कहना आता नहीं मेरे भाई बहन, लेकिन इतना ही कहूंगा भगवान ने ब्राह्मण देवता को 2 बातें दी है, शुद्ध हृदय और पवित्र वाणी, और उसी को कायम रखने का साधन है भगवत गुणगान। मेरे प्रभु हृदय शुद्ध रहे इसके लिए तपस्या करनी है, और वाणी पवित्र रहे इसलिए भगवान का गुणगान करना है, इसलिए भगवान का गुणगान करना है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप क्या सोचते हैं, ये तो भगवान सहज भाव से रह रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है, ये साक्षात परब्रह्म है। तब फिर श्री नारद जी महाराज भगवान के चरणों में आते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ करें, मेरी भूल हो गई, आपकी माया से मैं भी भ्रमित हो गया, प्रभु मुझे क्या पता कि वेद जिस ब्रह्म का पार नहीं पाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी के चिंतन में जो आप नहीं आते हैं, उनको ब्रजवासियों ने अपने साथ ऐसे जोड़ रखा है कि आप उनका झूठा तक खाते हैं, उनके कहे कहे नाचते हैं, ये मुझे नहीं पता था, आपकी लीला को नहीं समझ पाया इसलिए ऐसी भूल करी, आप मुझे क्षमा करें।
भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, आपसे क्या कहूं, ये मेरी ब्रज लीला जो है ये बिल्कुल एकदम मेरी निजी लीला है। अगर आप एक स्थान पर एक व्यक्ति एक ऑफिसर से मिलने गया सुबह सुबह उसके घर, तो क्या देखा, एक आदमी कार साफ कर रहा था, मोटर कार होती ना, तो उसने सोचा ड्राइवर को ए ड्राइवर सुनता नहीं है क्या। अब आप जानते हैं कि छोटा काम करते उसको लोग ऐसे ही बोलते, गलत है लेकिन बोलते हैं ऐसे, ए ड्राइवर सुनता नहीं है क्या, सांप कहां है। ड्राइवर ने कहा कही है सांप से क्या काम है। बोले तू हमारे मुंह मत लग, सांप से काम है, जा सांप को कह हम आए। ड्राइवर अंदर गया, बाहर आया और कहा कि साहब ने कहा कि आप ऑफिस में बैठे वो आते। सब लोग ऑफिस में बैठ गए और थोड़ी देर में वो ही जो ड्राइवर था, जिसको वो ड्राइवर समझ रहे थे, वही कपड़े पहनकर और आकर साहब की कुर्सी पर बैठा। और वो तो बोले कि आप ये बाहर वो ये। हाँ मैं ही था, मैं ही गाड़ी साफ कर रहा था, आपकी कोई गलती नहीं, संडे को मैं यही काम करता। कहने का अभिप्राय कि वो उसकी निजता थी, अपने घर में मोटर कार साफ करना, कई भाई लोग घर में काम करते हैं ना, क्यों संडे को बोलो ना भाइयों, हैं छोटा मोटा भाजी काटना है करते ही है, इसमें क्या, कांच वगैरह साफ करना करते ही संडे को, तो हाँ इसमें माइया कहती भाई के 6 दिन हमारी बारी, तो 1 दिन तुम भी करो, भाजी काटना है, कोई बर्तन वर्तन है करते, करना ही चाहिए, इसमें क्या, सेवा का ऋण नहीं चढ़ेगा, कर किया करो प्रभु। तो वो उसकी निजता है, आप रविवार को अपने घर में सफाई करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपकी निजता है। अब इसको कोई बाहर का आदमी देखेगा तो वो चकरा जाएगा कि ये ऐसा कैसे, तो गाड़ी मोटर कार साफ करना ये उस साहब की निजता है, तो कोई और देखेगा तो वो कहेगा कि ये साहब हो ही नहीं सकते जो ऐसे मोटर कार साफ करे। तो इसलिए मेरे भाई बहन ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो ब्रजलीला है ये मेरी निज लीला है, इसको तुम अपनी देव बुद्धि से देखोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। ब्रज लीला को समझने के लिए ब्रज की धूर बनने की इच्छा करो। ब्रज लीला की बात बाद में होगी, पहले ब्रज की धूर बनने की चाहना करो, उस चाहना से ठाकुर कृपा करेंगे और आपको ब्रज लीला का अनुसंधान होगा, नहीं तो आपके लिए ब्रज लीला खाली एक गोपी गुजरियों की ग्वालियों की छेड़खानी जैसा लगेगा। और ज्ञानियों के लिए आज भी ब्रज लीला अगम्य है, उनको आज भी ब्रज लीला नहीं समझ आती, आज भी बेचारे चक्कर खा रहे हैं, दिमाग घुमा रहे कि ये यूं कैसे, नहीं ये यूं कैसे, करते रहो तुम फिसलनी शिला, ठाकुर जी यहां से फिसल पट्टी खाते थे, अब माथा घुमा रहे कि अब तक कैसे शिला, अब तक शिला कायम कैसे प्रभु, लगाते रहो माथा, वंशीवट ये पेड़ अब तक कैसे, इसके नीचे कैसे नाच किया, इसके नीचे कैसे खड़े हुए, ये कैसे किया वो कर, ज्ञानी के लिए सब अगम्य है मेरे तो। ज्ञानी के लिए सब अगम्य, ये ब्रज लीला तो भक्तों के लिए है मेरे प्रभु। हर किसी के लिए नहीं है ये, तो पहले ब्रज की धूर बनने की चाह करो, तब जाकर के ब्रज लीला समझ में आती है। इसलिए ब्रह्मा जी ठाकुर जी को कहते प्रभु तब फिर मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे इस गोकुल गांव की रज बना दीजिए, कुछ लता पता बना दीजिए, ब्रज में श्रेष्ठ बनने की इच्छा मत करो भैया, ब्रज में निम्न बनने की इच्छा करो। एक बात ब्रजवासी कई बार कथाओं में कहते हैं महाराज जी, कि एक बहुत बड़ी रानी पालकी में बैठ करके और जा रही थी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, आगे आगे एक झाड़ू निकालने वाली चली जा रही थी, झाड़ू कर रही थी,
तो उस रानी की पालकी, उसके आगे एक दासी, उस और उसके आगे वो झाड़ू निकाल रही, पालकी चल रही, दासी ने कहा रही हट हट रानी जी आ रही, रानी जी आ रही है। झाड़ू वाली ने मुंह ऊपर किया कि कौन रानी, ब्रज में तीन रानी, एक तो राधा रानी, एक यमुना महारानी और तीसरी में मैत रानी, ये चौथी कौन से आई है? ब्रज में तो तीन रानी, एक राधा रानी, एक यमुना महारानी और तीसरी में मैत रानी, ये चौथी कहां से आई? इसलिए कहने का अभिप्राय कि ब्रज में श्रेष्ठ बनने की इच्छा मत करो, ब्रज में तो निम्न से निम्न, छोटे से छोटा महाराज। आहा, मुझे याद आते हैं उन वैष्णवाचार्यों के वाक्य, कोई कहता हमें ब्रज में सुअर बनाओ, हमें सुअर बनाओ, जहां ब्रजवासियों की गंदगी पड़ी हो उसमें हम लोटपोट होए, ऐसी ऐसी इच्छा करते महाराज, हमें कुकर बनाओ, हमें कुत्ता बनाओ, जहां ब्रजवासियों की जूठन पड़ी हो उसको हम खाएं, कुत्ता बनाओ हमको बताओ, ऐसी इच्छा करते। वहां कहां रानी बनने गई तू, पालकी में उतर नीचे, रानी आ रही है। तो मेरे प्रभु ब्रज में तो निम्न बनने में लाभ है, ब्रज में श्रेष्ठ बनने में लाभ है, ब्रज में तो निम्न बनो तब ब्रज भाव की प्राप्ति होगी। मेरे भाई बहन क्षमा करना, बाकी सेठ बनकर सैकड़ों बार वृंदावन चले जाओ, माफ करना भाई, अब बुरा लगे तो कुछ नहीं मिलना। सेठानी बनकर, महारानी बनकर, देवी बनकर, मैडम बनकर सैकड़ों बार वृंदावन चली जाओ माइयों, कुछ नहीं मिलेगा। एकदम शुद्ध हृदय की गोपी बनकर कभी जाओ देखो, एकदम दीन हीन बनकर कभी वृंदावन जाके देखो, आप आपको कन्हैया मिलेगा। अनेकों को मिला है, वो युग खत्म थोड़ी हुआ है, वो युग खत्म थोड़ी हुआ है। हमारे बाबा चतुरा नागा की जटाएं लंबी थी महाराज, बड़ी लंबी जटा थी, वो लंबी जटा एक झाड़ी में अटक गई, तो ग्वालियों ने कहा कि बाबा आपकी जटा अटक गई है, आप कहे तो ये जटा हम छुड़ा दे। बोले तू क्यों छुड़ाएगा, जिसने उलझाई है वो छुड़ाएगा। उन्होंने सोचा कि मेरे श्याम सुंदर नहीं जटा उलझाई है, अब ठाकुर जी के देखू ये कब तक खड़ा रहता। तीन दिन तक हमारे बाबा चतुरा नागा खड़े रहे, अब तीन दिन बाद आखिर ठाकुर जी को हार माननी पड़ी कि ले बाबा सुल जाऊं तेरी जटा। बोले खबरदार हाथ मत लगाना। बोले क्यों, तूने तो कहा था कि जिस श्याम सुंदर ने छलिया ने उलझाई है वो सुलझाएगा, तो हटाऊ। बोले मैं आया हूं ना श्याम सुंदर सुलझाने के लिए। बोले तू श्याम सुंदर, इसकी गारंटी क्या, इसका प्रमाण क्या तू श्याम सुंदर है? श्याम सुंदर के साथ राधा रानी होती है, राधा रानी का तू श्याम सुंदर है तो मानू। तो ठाकुर जी को राधा रानी को लाना पड़ा, फिर राधा रानी ने कही हाँ यही मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर है। तब महाराज चतुरा नागा की जटा खोली गई। ये कोई मैं कोई पांच द, 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 कोई मैं दो चार हजार साल पहले की बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं कलयुग की बात कर रहा हूं महाराज, इस युग की बात कर रहा हूं। वो समय कहीं गया थोड़ी बात, गोविंद स्वामी के साथ खेलते हैं ठाकुर जी, गोविंद स्वामी के साथ खेलते हैं, कुम्भनदास की गोदी में जाकर बैठकर बातें करते, वो युग कहीं गया थोड़ी, वो समय कोई गया थोड़ी, वो भूमि कहीं गई थोड़ी, वो सब चीजें वैसी की वैसी, लेकिन हमारे अंदर वो दीनता नहीं आई है, हमारे अंदर वो भाव नहीं आया है, ताकि सब चीज वैसी की वैसी, वो भाव नहीं आया है, हम अपना सेठपना नहीं छोड़ पाते हैं। पहुंचते ही सीधे पंडित जी को 500 रुपए पकड़ाते, महाराज स्पेशल दर्शन करा दो, बस अपनी दीनता का सबसे पहले नंबर पापा काट दिया, जाते ही अपनी दीनता पर पोत दिया महाराज, जाते ही 500 पकड़े, लो महाराज स्पेशल दर्शन करा दो। अरे दीन बनो, धक्का खाओ वहां, धक्का खाओ महाराज, पिसी पिसी जो वहां, अहंकार दबेगा तुम्हारा, जितना पीसी जोगे उतना अहंकार दबेगा, जितने पसीने निकले बढ़िया है उसको श्रेष्ठ मानो, और फिर बिहारी की एक झलक भी मिलेगी ना आपके दिल में वो बड़ी महंगी होगी, आपके दिल में वो बड़ी महंगी होगी। और 500 रुपए देकर सबसे आगे भले ही पहुंच जाओगे, लेकिन दर्शन करके ये लगेगा कि बिहारी का नहीं, मैं मेरे 500 का
विचार ये रहेगा। करुणा निदान 200 रुपया दे के होटल में आदमी खाना खाता है ना, भूख मिटने के बाद भी ठूस के खाता है, क्यों? मैं मेरे 200 खा रहा हूं, मैं मेरे 200 खा रहा हूं। उसे को भोजन में स्वाद नहीं है, उसको वस्तु ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी और 200 की भरपाई करनी, इसलिए मेरे भाई बहन नाथ दीनता पर हम सबसे पहले लिपा पोती करते, अपनी भक्ति को सब हम ऐसे गंवा देते हैं। इसलिए नारायण ब्रज भाव की प्राप्ति करने के लिए दीनता चाहिए, दीनता चाहिए। बाकी सब बातें आज भी हो सकती हैं, आज भी घटनाएं घट सकती है, आज भी अनेकों को ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ठाकुर जी की अनुभूति होती है, आज भी अनेकों को होती है ना, कुछ मिलता है, है? प्रेमी दो ही बातों पे जिंदा रह सकता है, प्रेमी दो ही बातों पे जिंदा रह सकता है, या तो प्रियतम आश्वासन दे कि मैं आऊंगा, अथवा प्रियतम के आने की आहट होती रहे, इन दो बातों पे प्रेमी जिंदा रह सकता है। या तो प्रियतम आश्वासन दे कि मैं आऊंगा, अथवा उसके आने की आहट होती रहे, तो हजारों सैकड़ों साधु संत वैष्णव ब्रज के जंगलों में पड़े हैं आज भी, कभी जाओ देखो वो किस लिए पड़े हैं। कन्हैया ने उनको आश्वासन दिया है ना कि मैं आऊंगा, अथवा उनको आहट आती है कि आ रहा है बंसी बजाने वाला, गैया चराने वाला। तो ब्रज भाव ऐसो है भैया, ऐसो अगम है, कौन पार पा सकता है ब्रज भाव का भाई। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते, प्रभु ये तो किसी गोकुलवासी की चरण रज मेरे माथे पड़ जाए तब आपकी ये लीला समझ में आ सकती है, बाकी पार पाना कठिन। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को भी माफ करते हैं, फिर प्रभु वो इंद्र को भी ठाकुर जी ने क्षमा किया, सुरभि गौ माता को लेके आया, भगवान का अभिषेक किया, गौ माता ने ठाकुर जी का गोविंद नाम रखा। गोविंद के भरोसे ही गौ माता है, मनुष्य का तो क्या बल है। पिछली साल अकाल पड़ा, लाखों की संख्या में गौ माताएं निराश्रित हुई, किसने उनके प्राणों की रक्षा करी? ठाकुर जी ने करी महाराज। नाथ हजारों की संख्या में गोवंश गोशाला में जमा हो गया था, अकाल के चलते मना भी कर नहीं पाए और गोवंश भी बहुत जमा हो गया। अब प्रभु पिछली साल की, मेरे भाई बहन आप सबको अकाल की स्थिति का अंदाजा होगा कितना भीषण अकाल इस साल पड़ा है, और हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का ऐसा भाव है कि गाय के लिए उधार लेना पड़े तो उधार लो, लेकिन घास की कमी के कारण कोई गाय कसाई खाने नहीं जानी चाहिए कि महाराज गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं है, इसलिए गाय को सड़क पर छोड़ दिया, कसाईयों की मौज हो गई। इसलिए हजारों की संख्या में गौ माता को गौ शिविरों में रखा। मेरे भाई बहन लगभग 8,000 गौ माताएं हमारे जोधपुर के शिविर में आई, 7 दिन में 8,000 गाय, 7 दिन में 8,000 गाय एकत्रित हो गई। कोलू बोल करके एक गांव है, वहां 5,000 गौ माताएं आ गई। ऐसा खाली हमारे जोधपुर की बात बता रहा हूं, 15,000 से 20,000 गौ माताएं खाली अकाल अकाल में, गौशाला की गायों की संख्या के अलावा अकाल अकाल में आ गए। अब अकाल में उनको जैसे तैसे ठाकुर जी कृपा करते रहे,
हरि भक्तों के सहयोग से गोमाता की घास की पूर्ति होती रही। लेकिन एक चिंता माथे पर सवार हो गई कि इस प्रकार लंबे समय तक कैसे काम निकालेंगे। सबको चिंता, वर्षा नहीं हुई, क्योंकि वर्षा का जो समय होता है ना मानसून के शुभारंभ का, उस शुभारंभ तक बरसात आई नहीं थी। बड़ी चिंता हो गई कि क्या इस साल फिर वही हालत बनने वाले, क्या इस साल फिर से वही अकाल पड़ेगा। ऐसी चिंता हो गई, लेकिन किसने सुनी? गोपाल ने सुनी। और क्या वर्षा कराई है महाराज। अनेक लोगों का अनुमान है कि पिछले 15-20 सालों में ऐसी वर्षा नहीं हुई, ऐसी हरियाली हमने देखी नहीं, ऐसी वर्षा हुई। किसने कराई? गोपाल ने कराई। गोमाता के लिए चारा हो गया। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन, समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पता है आपको, एक समस्या और पैदा हो गई। अब जब चारा उग गया तो भैया आप तो जानते हैं कि चारा उगता है तो हर आदमी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि ये गाया रे भागरो हुयो है। बोलो, है कि नहीं? सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि तो गाया रे भागरो हुयो भाई, गया के भाग्य का हुआ है। और जब हमने गौ माता को चराने के लिए हम गौ माता को लेके निकले, अनेक किसान आ गए महाराज लाठियां लेकर, बोले आपकी गायों को ले जाओ गौशाला में ले जाओ। क्यों? बोले हमारे खेत में आ जाएगी। अरे हमने कहा भाई तुम्हारी खेत पे चारों तरफ बाढ़ लगी है, हमारी गोमाताएं खाली, बाढ़ के बाहर बाहर जो घास है उसमें चरेगी, लाखों बीघा जमीन पर घास उगी हुई वहां चरेगी, तुम्हारा खेत नहीं खाएगी, तुम गाय को चरने दो। नहीं नहीं खबरदार, गौशाला से बाहर ले गए तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे घमासान। अब मेरे भाई बहन उनको कौन समझाए कि ये जो कृपा हुई है ये इस गौ माता के कारण ही तो हुई, नहीं तो ऐसे हेत ऐसे खेत देखे किसी ने? ये गौ माता की कृपा से जल बरसा है और उसका लाभ हमको भी मिला। लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में उदारता नहीं आई, वही स्वार्थ। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मान लो कोई गाय ने 2, 5, 10, 8, 10 तुम्हारी पूलियां खा भी ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उस गाय के पेट में अगर वो तुम्हारा बोया हुआ अनाज चला गया तो उस गाय के अंतरात्मा से निकले हुए आशीर्वाद से तुम्हारा अनाज सैकड़ों गुना बढ़ सकता है महाराज, उसका आशीर्वाद अगर लो तो है? लेकिन गाय को पीट पीट कर खेतों से निकालना, पानी के कुंडों के ऊपर कांटे लगा देना, गाय को तकलीफ पहुंचाना, उसको झिड़कना, इस प्रकार आप, गाय तो कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि गाय तो माता है, लेकिन भगवान को यह सब बात सहन नहीं होगी यहां। इसलिए गाय को डांटने से पीटने से सावधान रहना। यहां पर जितने भी किसान भाई बहन बैठे उनसे प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई बहन आपके खेत में अगर कोई गाय आ जाए तो मेहरबानी करके आप उसको पीट कर मार कर निकालना नहीं, उसको चरने देना। मैं आपको गारंटी लेकर कहता हूं जितना घास गोमाता आपके खेत में खाएगी उससे कई गुना ज्यादा अनाज आपको प्राप्त होगा महाराज, उससे कई गुना ज्यादा अनाज आपको प्राप्त होगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं मेरे भाई बहन, एकदम विश्वास के साथ कहता हूं। भले आप कोई चाहो तो लिखवा के ले लो मुझसे, जितना गाय आपके खेत में अगर खा जाएगी उससे कई गुना ज्यादा आपके खेत में पैदा होगा। मेरे भाई बहन, लेकिन प्रार्थना बस इतनी है गौ माता के साथ निर्दयता का व्यवहार न करें, गौ माता के साथ निर्दयता का व्यवहार न करें प्रभु। गोविंद का, भगवान का गोविंद नाम से अभिषेक किया, गैया ने भगवान को अपना राजा बनाया,
नारायण। भगवान ने काल्य नाग का मर्दन भी किया है, आप सबको कथा मालूम है। श्री दामा की गेंद के बहाने से जल में कूदते हैं और उस काल्य नाग का मर्दन करते हैं। मेरे प्रभु, काल्य नाग का मर्दन यानी अहंकार का नाश है। काल्य नाग अहंकार का प्रतीक है। हमारा मन यमुना जी का प्रतीक है। हमारे मन में काल्य नाग रूपी अहंकार बैठा है और उसके लिए ठाकुर जी ही हमारे हृदय में प्रवेश करें, प्रभु ही हमारे हृदय में प्रवेश करें तो काम बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो नाथ, भगवान ने काल्य नाग का मर्दन किया। अब आइए श्री ठाकुर जी की सुंदर वेणु माधुरी का रसपान करते मेरे भाई बहन। कुसुमित वन राज सुष्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सर सरिन्महीग्रम मधुपति रव गायम चारयंगा सह पशुपाल बलश्चकूज वेणु। जब ठाकुर जी गैया चराने वन को जाते हैं तो पीछे से गोपियां ठाकुर जी के वेणु की महिमा गान करती है। हे सखी, क्या बताऊं, ये बांसुरी बांसुरी नहीं, ये बैरन है। और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज जी ने जो वेणु गीत पर टीका लिखी है उसमें महाराज जी कहते हैं कि गोपी कहती कि ये वेणु वेणु नहीं है, ये वेणु कौन है? बोले ये वेणु वैन राजा का अवतार है। तो स्वामी जी को कहा, भाई वैन राजा तो बड़ा पापी था, तो इस बांस पापियों को भी क्या बांसुरी बनने का सौभाग्य मिलेगा? बोले नहीं, गोपी कहती कि ये वेणु जो है वैन राजा का अवतार। वैन राजा का अवतार कैसे? बोले वैन राजा क्या करता था? वैन राजा भी लोगों को धर्म से च्युत करने का काम करता था और ये वेणु भी यही काम करती, इसलिए वैन राजा ही आया। वेणु भी धर्म से च्युत करती है। हम अपने पति की सेवा करें, बंसी बजे तो पति के मुंह पे एक चद्दर मार के दौड़िया, ये तो धर्म से हटना है ना। घर का काम सब छोड़ दे, सेवा ग्रस्त धर्म सब भूल जाए। नाच बांसुरी तो बांसुरी। गोपी कहती बस कान में शब्द पढ़ने चाहिए, शब्द पढ़ते ही तो कुछ नहीं बचता, शब्द पढ़ते ही तो कुछ नहीं। गाय दू रही, शब्द पड़ गए, खत्म हुई बात। रोटी बना रही, बांसुरी के शब्द कान में पड़े, वाह रोटी जलो सखी तो चलो, रोटी जलो सखी चलो, शब्द पढ़ते। अपने बालक को झूले में झूला रही, बांसुरी के शब्द सुने, टाबर झूलो न चाहे टाबर न झूलो, टाबर ने भूलो न हलो, दौड़ी जाए गोपी। ए नंदलाल रे गोपाल लाला, नंदलाल रे गोपाल, सब जना गाई जो भाई। हाँ, अब बंसीरी महिमा है, बंसीरी महिमा। प्रभु, घर में सासू बुआ लड़ती, वाके थू यून वाके थू यून, जीते बंसी बाजी के बींदनी सासू रे पगे पड़ गई। सासू जी कह रहे ओ एकदम थार कही भी हो। बींदनी बोली कि हमें कहो झगड़ो, बंसी बाजी झगड़ो खत्म, ये बंसी का प्रभाव। हे नंदलाल रे गोपाल लाला, नंदलाल रे गोपाल लाला। नाथ, एक हमारे पूज्य पंडित जी ने एक सुंदर बात बताई कि देखो लाला बाबू नाम के, लाला बाबू कौन थे? मुर्शिदाबाद स्टेट के राजा थे,
और वो लाला बाबू मुर्शिदाबाद स्टेट के जो राजा थे, कृष्ण चंद्रमा मंदिर गोपेश्वर के पास वो रहते थे। और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा क्या बताई, बोले मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे शरीर को ब्रज की रज में घसीटते घसीटते लेके जाए, मेरे शरीर को ब्रज की रज में घसीटते घसीटते ले जाते। एक पद भी है, सखी तुम इतना करियो काम, मेरे तन की या विधि करियो गति ललाम, जब मेरे सखी इतना करना मैं मर जाऊं तो मुझे ऐसे लुढ़काते लुढ़काते लेके जाना ब्रज की रज में। अद्भुत है। हे नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, के बंसी प्रेम री बजाई रे, नंद लाला बंसी प्रेम री बजाई रे, नंद लाला के मुरली जोर री बजाई रे, नंद लाला मुरली जोर री बजाई रे, नंद लाला। नंद जीरा लाला में फेरो थारी माला, के मुरली प्रेम री बजाई रे, नंद लाला मुरली प्रेम री बजाई रे, नंद लाला। हो में तो पनघट पे सुनी थी, मुरली री आवाज में तो पनघट पे सुनी थी, मुरली री आवाज में तो पनघट पे सुनी थी, मुरली री आवाज में तो पनघट पे सुनी, के पानी भर तो छोड़ आई रे, नंद लाला पानी भर तो छोड़ आई रे, नंद लाला मुरली प्रेम री बजाई रे, नंद लाला मुरली प्रेम री बजाई रे। रसोड़े में सुनी थी, मुरली री आवाज में तो रसोड़े में सुनी थी, मुरली री आवाज में तो रसोड़े में सुनी थी, मुरली री आवाज में तो रसोड़े में सुनी, के रोटी कर दी छोड़ आई रे, नंद लाला रोटी करती छोड़ आई रे, नंद लाला। नंद जीरा लाला में फेरो थारी माला, नंद जीरा लाला में फेरो थारी माला, के मुरली प्रेम री बजाई रे, नंद लाला मुरली प्रेम री बजाई रे, नंद लाला।
तो बागा में सुनी थी मुरली री आवाज में तो बागा में सुनी मुरली री आवाज में तो बागा में सुनी थी मुरली री आवाज में तो बागा में सुनी ये फुलड़ा के फुलड़ा के फुलड़ा तोड़ दी छोड़ आई रे रंगलाला फुलड़ा तोड़ दी छोड़ आई रे रंगलाला नंद जी राला मैं फेरो थारी माला नंद जी राला मैं फेरो थारी माला के बंशी के बंशी बंशी प्रेम री बजाई रे नंदलाला बंशी प्रेमरी बजाई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंदलाला मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंदलाला नंद जी राला मैं फेरो थारी माला नंद जी राला मैं फेरो थारी माला मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला पंछी झोरी बजाई रे नंदलाला पंछी झोरी बजाई रे नंदलाला नंद जी राला मैं फेरो थारी माला थारी माला मुरली 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 प्रेम री बजाई रे नंदलाला मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला मुरली मारे मन भाई रे नंदलाला मुरली के मुरली बजाई रे
तारी माला ओ मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला मुरली प्रेम री बजाई रे नंदलाला वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् विब्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति आहा हे सखी श्याम सुंदर की वेणु माधुरी का क्या वर्णन करें। पहले तो श्याम सुंदर अपनी मुस्कान से ही हमारे चित्त का हरण कर लेते थे, लेकिन हमें उसकी मुस्कान देखने जाना पड़ता था। फिर श्याम सुंदर अपने चितवन से ही हमारे मन को हरण कर लेते थे, लेकिन वो नेत्र भी देखने पड़ते थे। लेकिन अब तो श्याम सुंदर हमसे दूर बैठे भी बांसुरी बजाकर हमारे मन का हरण कर लेते हैं। हे सखी श्याम सुंदर की बांसुरी ऐसी है, आहा, ये गिरिराज जी बड़े भाग्यशाली हैं, हरिदास वरिय है, इनको ठाकुर जी की सेवा करने का सबसे ज्यादा सौभाग्य मिलता है। दिन भर श्याम सुंदर इन्हीं के ऊपर खेलते रहते हैं, ये बहुत बड़े हरि भक्त हैं। इस प्रकार गोपियां वेणु गीत गाती हैं, प्रभु देवताओं की स्त्रियां हैं उनको भी अपने सुध-बुध नहीं रहती है ठाकुर जी की बांसुरी सुनकर। बांसुरी में क्या है ये तो प्रभु जाने या वो बांसुरी जाने, अथवा जिसने उसका आस्वादन किया है। मेरे भाई बहन, हमने बांसुरी की महिमा तो खूब सुनी है, लेकिन बांसुरी कभी नहीं सुनी। मेरे भाई बहन, आज भी कहीं बांसुरी बजती है तो निश्चित रूप से कृष्ण की याद तो आती है। सोचिए, आज एक सामान्य भी कहीं बांसुरी बजती तो कृष्ण की याद आती है, तो लगता है कि वो जब कृष्ण खुद जो बांसुरी बजाता था वो जब सुनते होंगे तब तो कृष्ण खुद ही आता होगा। आज के समय की बांसुरी कृष्ण की याद दिलाती है तो वो बांसुरी तो कृष्ण से मिलाई देती होगी। लेकिन क्या आज हम वो नहीं सुन सकते बांसुरी? क्या अब ठाकुर जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया है? नहीं, ठाकुर जी आज भी बांसुरी बजाते हैं। अरे महाराज बजाते, हम तो वृंदावन इतनी बार चक्कर काटिया, महीना महीना रुक गए, पर कभी हमने तो सुनी नहीं। तो महाराज फिर हम कौन सी धर्मशाला में रुके कि हमको सुनाई पड़े? ठाकुर जी कहते हैं तुम अपने घर में भी बैठे रहो तो भी सुनाई दे जाएगी। बोले महाराज घर में सुनाई देती तो यहां क्यों आते? हमें नहीं सुनाई देती। ठाकुर जी कहते देखो भाई,
एक कुमार, एक लोहार धोकनी चला रहा था। धोकनी जानते ना, वो ऐसे चलाने में तो उसकी वो घर 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 आवाज आ रही थी। तो एक मालिन को पूछा कि तुझको क्या सुनाई देता है। वो बोली, आलू भिंडी शकरकंद, आलू भिंडी शकरकंद, आलू भिंडी शकरकंद। एक पहलवान को पूछा, भाई तुझे क्या? बोले, दंड बैठक कुश्ती मुद्गर, दंड बैठक कुश्ती मुद्गर, दंड बैठक कुश्ती मुद्गर मुद्गर। लेकिन असली में क्या ये सब आ रही है आवाज? नहीं, उस मालिन की कानों को अभ्यास ही आलू भिंडी अदरक, आलू भिंडी अदरक सुनने का है। तो उसकी जो आवाज है उसमें भी यही आवाज आती। कई बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पंख का कोई कोई कमरों में ऐसा होता है जो विशेष संगीत के साथ चलता है, तो जो कोई भक्त उस कमरे में सो रहा हो तो वो उसके साथ ठाकुर जी के कीर्तन का मिलान करा देता है। ये कह रहा, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, कड़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 , तो उसके साथ वो कीर्तन का मिलान करा दे तो फिर वो कड़कड़ जो है उसको कीर्तन जैसी ही लगती, तो ही नींद आती, नहीं तो वो कड़कड़ मारा सोने नहीं। तो उस मालिन को आलू भिंडी अदरक का अभ्यास है उसके कानों को, तो उसको वो लोहार की धोकनी में आलू भिंडी अदरक की सुनाई देता। पहलवान को दंड बैठक कुश्ती मुदगर का ही अभ्यास है तो उसको वो सुनाई देता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी कहते हैं कि बांसुरी तो मैं आज भी बजाता हूं, लेकिन तुम्हारे कानों को दूसरों की निंदा और खुद की स्तुति सुनने का ही अभ्यास है, इसलिए मेरी बांसुरी तुम सुन ही नहीं पाते। परनिंदा स्वस्तुति, परनिंदा और स्वस्तुति, इन दो के अलावा और कुछ हमने कभी सुना है? हैं? ये तो भगवान की कोई आप पे बड़ी भारी असीम कृपा है जो आप ठाकुर जी का गुणगान सुन रहे हो अभी संसार में। और ध्यान देना, ये जो सुन रहे हो ना, इसी को बांसुरी कहते हैं, यही बांसुरी है। कृष्ण कथा ही कृष्ण का अधरामृत है भाई, कृष्ण कथा ही कृष्ण का अधरामृत है। तो नारायण, कृष्ण कथा ही कृष्ण का अधरामृत है, तो हमारे कानों को पर निंदा और अपनी स्तुति यही सुनने का स्वभाव है, इसलिए हम बांसुरी नहीं सुन पाते। नाथ प्रभु, ऐसे गोपियां वेणु गीत का गान करती है। वैसे तो वेणु गीत का बहुत विस्तार है, मैं तो जैसी संक्षेप में जैसी भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहा हूं। प्रभु, बाद में श्री ठाकुर जी अपनी किशोरावस्था की मधुर लीला का विस्तार कर रहे हैं। गोपियों के हृदय में ठाकुर जी के प्रति कांत भाव पैदा हुआ है, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी का सौंदर्य अत्यंत कमनीय है। ध्यान दे मेरे भाई बहन, क्या कहूं मैं, कभी कभी मन करता है कि ये बात किसी विशेष सभा में कहूं, लेकिन अब मन में आ गई है तो कह दूं, शरीर का क्या भरोसा। ठाकुर जी के सौंदर्य के साक्षात दर्शन यदि हमें हो, तब ये निर्धारित होगा
कि हमारी ठाकुर जी में श्रद्धा होती है या ठाकुर जी को देखकर हमारे मन में काम पैदा होता है। अभी हम जो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, एक आदमी हमको भीड़ में मिले और एक आदमी हमको एकांत में मिले, तो दोनों मुलाकातों में अंतर होता है भाव में। तो अभी हमको बिहारी जी मिलते हैं तो मंदिर में मिलते हैं, मालाओं से घिरे, गोस्वामियों से घिरे, भक्तों से घिरे, तो चारों तरफ उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तो वहां उनका दर्शन करके हमारे मन में भी श्रद्धा ही पैदा होती है। आज तक बिहारी जी को देखकर किसी के मन में काम पैदा नहीं हुआ, कोई विशेष अधिकारी जीवों की बात छोड़ दे, लेकिन हम अपने जैसी बात करें। लेकिन यह मेरा निश्चित भाव है कि अगर वही ठाकुर बांके बिहारी अगर हमको एकांत में अपनी उस अद्भुत छटा के साथ मिल जाए तो काम पैदा हो जाएगा। बस फर्क इतना ही है कि वो काम कृष्ण के प्रति होने से भक्ति बन जाए, फर्क है, बाकी काम पैदा हो। श्रद्धा हर समय नहीं रहती भाई, ठीक है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा माहौल हो तो श्रद्धा रहती, नहीं तो नहीं रहती। अभी हम यहां बैठे हैं, अभी हम यहां बैठे हैं तो कोई हमको, मान लो भीड़ है, किसी को बैठने को जगह नहीं, तो कोई यहां आके थोड़ी कहेगा कि लो महाराज थोड़े से ऐसे हो हम बैठे। क्यों? क्योंकि यहां सबकी श्रद्धा है कि नहीं नहीं भाई व्यासपीठ पर बैठे महाराज। लेकिन ऐसे ही एक कथा सुनने वाले भाई, हम रेलगाड़ी में बैठे महाराज, तो आए और आकर बोले महाराज थोड़ा खसको, थोड़ा हम भी बैठ जाए, थोड़ा खसको उधर। अरे हमने कहा कैसे, बस आप तो श्रद्धा से एकदम व्यवहार पर आ गए। बोले महाराज व्यासपीठ पे श्रद्धा है, अब रेलगाड़ी में तो आप भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर, अभी इसमें क्या है, खसको ना थोड़ा, क्या है प्रभु। ऐसे कोई बराबरी नहीं, बराबरी में नहीं बैठता महाराज। जैसे हमारे साथी लोग हैं, इन्हें मैं कहूं मेरी बराबरी में बैठो तो ये नहीं बैठेंगे, लेकिन रेलगाड़ी में सब बैठते ही, कई जने हमारे ऊपर सोते हैं, ऊपर वाली सीट पे, मतलब ऊपर सोते हैं। वहां क्या होता है, वहां व्यवहार है भाई, वहां तो यही है, तो सोना ही पड़ेगा इनको, क्या है कोई चारा है प्रभु। तो हर समय श्रद्धा नहीं रहती है, क्षमा करें, श्रद्धा माहौल पर निर्भर करती है, माहौल बना हुआ है तो अभी देखो सब। प्रभु तो ऐसे ही मेरे भाई बहन, मंदिर में जिन ठाकुर का दर्शन करते हैं वहां श्रद्धा पैदा होती है, लेकिन हमारे ठाकुर इतने कमनीय है कि वो एकांत में यदि कहीं आकर आपसे मिल जाए तो आपके मन में निश्चित रूप से काम पैदा हो जाएगा। उसके बगैर यदि ऐसा ना हो तो गीत गोविंद की रचना हो सकती है? मेरे भाई बहन, गीत गोविंद की एक मर्यादा है, हर समय हर जगह नहीं गा सकते हैं। आज सुबह ही हमने गीत गोविंद के पांचवें सर्ग का दर्शन किया हमारा, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वन माली, क्या सुंदर भाव है उसका। और ये वर्णन करने वाले कौन है? श्री जयदेव जी महाराज। और कैसे हैं? उनके पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, एक ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे सब उधार लिया था इसलिए सब हमको दे दो, तो जयदेव जी ने सब उसको दे दिया, अगले भाई तू ले जा प्रभु। ऐसे त्यागी, एक बार भी नहीं पूछा कि कोई कागज में लिखा हुआ बता, कुछ बता नहीं, तेरे को देने का कह गए थे ले तू रख, और जंगल में चले गए भजन करने के लिए। ऐसा त्यागी और गीत गोविंद जिसमें अत्यंत कृष्ण से जुड़े हुए काम का वर्णन है मेरे भाई पे। बस बात इतनी है कि कृष्ण से जुड़े हुए उस काम में दुर्गंध नहीं,
कृष्ण से जुड़े हुए उस काम में दुर्गंध नहीं। उस गीत गोविंद को गाने वाले का जीवन सुगंधित हो जाता है। ठाकुर जी ने तो कह रखा है जो गीत गोविंद गाएगा, जो गीत गोविंद का जो अष्टपदी गाएगा, जो हम गाते ना आरती में शत कमला कुछ मंडल, ये अष्टपदी है गीत गोविंद की। ये धीर समीर है यमुना तीर, ये भी अष्टपदी है। जो ये अष्टपदी गाएगा तो ठाकुर जी कहते मैं खुद सुनने को आता हूं। एक ब्राह्मण की कन्या बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ रही और गीत गोविंद गा रही। जगन्नाथ भगवान पहुंच गए गीत गोविंद सुनने के लिए। अब वो बैंगन का खेत कांटे लगे ठाकुर जी को, जगन्नाथ भगवान के वस्त्र फट गए। और जब ठाकुर जी को दर्शन करने राजा आया, ठाकुर जी के फटे हुए वस्त्र देखे तो पूछा कि पंडित जी ये क्या हुआ, ठाकुर जी को फटे कपड़े कैसे पहनाए? ठाकुर जी से पूछो। जब जगन्नाथ भगवान ने प्रेरणा करी कि मैं तो उस बालिका के मुख से गीत गोविंद सुनने गया था, उस बालिका को पालकी में बिठवा करके और लाया गया उस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के, एक भाई तू यही रह के सुना, तेरे पीछे बैंगन के खेत में घूमते जगन्नाथ भगवान। मुल्तान शहर का एक मुगल सिपाही, उसको मालूम पड़ गया किसी ब्राह्मण के माध्यम से कि ठाकुर जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है, तो वो घोड़े पर जब चलता था तो ये भाव करके कि अपने आगे ठाकुर जी का आसन लगाया, अपने आगे ठाकुर जी का आसन लगाया है और मैं गीत गोविंद गा रहा हूं, वो सुन रही, ये भाव करके वो गीत गोविंद गाता था। एक दिन वो आसन लगाना भूल गया और ऐसे ही रवाना हो गया और गीत गोविंद गाता हुआ चलने लगा, तो उसने क्या देखा, ठाकुर जी उल्टे चल रहे, उस घुड़सवार की तरफ मुख किए हुए और उल्टे चल रहे और गीत गोविंद सुन रहे। बस उसी समय उस मुगल ने वैराग्य ले लिया। तो नाथ ये सब ऐसी रचनाएं कब होती है, जब श्री ठाकुर एकांत में मिलते हैं, एकांत में मिलते हैं। सूरदास जी की रचना देखो क्यों अद्भुत है, प्रभु राम मिले हैं एकांत में, तब श्री ठाकुर जी मिले हैं। इस तुलसीदास जी की रचना अद्भुत क्यों है, श्री राम मिले। कुंभनदास जी की, गोविंद स्वामी की, जैसे पद उनके हैं वैसे आज कई हो गए बड़े बड़े कवि धुरंधर, लेकिन किसी के पद में वो आनंद नहीं। मीराबाई के भजनों में जो रस है महाराज, वो रस बड़े बड़े कवियों की कविताओं में नहीं मिलता, जबकि शब्द उनकी कविताओं में ऊंचे हैं आज के कवियों के। मीराबाई का तो एकदम छोटे छोटे शब्द, हे मारे घरे आओ, कितना कितना सामान्य सीधी बात, मारे घरे आओ, हे मारे घरे आओ, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, मारे घर आओ, हे मारे घर आओ, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, तन मन धन सब भेंट करूंगी, तन मन धन सब भेंट करूंगी, भजन करूं थारा, भजन करूं थारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, हे मारे घर आवो,
प्यारा तुम गुणवंत सुसाही बकहिए तुम गुणवंत सुसाही बकहिए मामे अवगुण सारा हे मामे अवगुण सारा प्रीतम प्यारा प्रीतम प्यारा मारे घरे आवो मारे घरे आवो प्रीतम प्यारा प्रीतम प्यारा जन्म जन्म की हो अपराधी जन्म जन्म की हो अपराधी आ तुम हो बक्षणहारा हे तुम हो मुलाकात के बगैर नहीं गाया जा सकता, मुलाकात के बगैर नहीं गाया जा सकता। हमने बहुत कोशिश कर ली, वृंदावन में रहकर कोशिश कर ली, जगन्नाथपुरी में रहकर कोशिश कर ली, बद्रीनाथ में रहकर कोशिश कर ली कि गोपी गीत जैसे भाव हम भी गावे, हमारे अंदर भी आवे, लेकिन नहीं आए। क्यों? बिना मिलन के ये भाव आने संभव नहीं। मिलन बहुत जरूरी है, एक बार मिलना। एक बार मिलना बहुत जरूरी है, एक बार। श्री ठाकुर जी अत्यंत कमनीय है, गोपियों के हृदय में कांत भाव ने जन्म लिया है। गोपियां ठाकुर जी को अपना वर बनाना चाहती हैं, अपना पति बनाना चाहती हैं। हेमंत ऋतु आई, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना मार्गशीर्ष। हेमन्ते प्रथमे मासि हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द ब्रज कुमारिका चेरु भविष्य गुञ्जानां कात्यायनर्चनं व्रतम्। मेरे प्रभु, मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की वो गोपांगनाएं यमुना जी के किनारे स्नान करने को जाती हैं, वहां स्नान करती हैं,
स्नान करके ब्रजांगनाएं कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करती है। हमारे वैष्णव कहते हैं कि ये श्री यमुना जी ही कात्यायनी देवी बनी। श्री यमुना जी को ही गोपियों ने कात्यायनी देवी मानकर पूजा किया है। नाथ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। वर के रूप में श्याम सुंदर को पाने के लिए गोपिकाएं कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करती हैं। एक दिन श्याम सुंदर वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके श्याम सुंदर ने उन गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और उन वस्त्रों को चुरा कर यमुना जी के किनारे जो कदंब का पेड़ था उस कदंब के पेड़ पर लटका दिया। अब गोपियों ने स्नान करने के बाद गोपियों ने जैसे ही किनारे पर अपने वस्त्रों को देखा, गोपियां चकित रह गई, वस्त्र वहां थे नहीं। अब जल में खड़ी खड़ी गोपियां विचार करने लगी, हमारे वस्त्र कहां गए, हमारे वस्त्र कहां गए। तब नाथ कदंब के वृक्ष पर एक गोपी की दृष्टि गई और कदंब के वृक्ष पर जब दृष्टि गई तो उन गोपियों ने देखा कि हमारे कपड़े तो पेड़ पर लटक रहे हैं। श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हमको दे दो, तुमने हमारे वस्त्र क्यों चुराए हैं। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों मुझे तुम्हारे वस्त्रों से क्या प्रयोजन, मेरा क्या लेना देना तुम्हारे कपड़ों से, मैंने ये वस्त्र नहीं चुराए। कन्हैया क्यों झूठ बोलते हो, यदि तुमने वस्त्र नहीं चुराए तो फिर ये वस्त्र क्या अपने आप पेड़ पर चढ़ गए। ठाकुर जी बोले, सखी मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मैंने ये वस्त्र नहीं चुराए। प्रभु अब गोपियां श्री ठाकुर जी से कठोरता पूर्वक कहने लगी, हे कन्हैया अगर तुमने हमारे वस्त्र नहीं दिए तो हम जाकर कंस से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। ठाकुर जी कहते, पहले जाओ मुझे डराती क्यों, जाओ करियाओ शिकायत। अब गोपियां कहती, तू हमारी मजबूरी का लाभ उठा रहा है, हम जा नहीं सकती इसीलिए तू ऐसा कर रहा है। अब श्री ठाकुर जी गोपियों को वस्त्र देते नहीं है, तब गोपियां ठाकुर जी से विनंती करती है, हे श्याम सुंदर हम ठंडी में जल में खड़ी हैं, हमारा शरीर बिगड़ जाएगा, तुम हमारे पर कृपा करो और हमारी भूल बताओ। मेरे भाई बहन, गोपी ने कहा, प्रभु आप हमको हमारी भूल बताओ। नारायण इसी को ज्ञान का शुभारंभ कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी गलती जानने का इच्छुक हो जाए वहीं से ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत होती है।
व्यक्ति अपनी भूल जानने का इच्छा करे कि मुझे मेरी गलती मालूम पड़े। ध्यान देना महाराज, ज्ञान उसी को मिलता है जो अपनी भूल को सुनने की इच्छा रखता है। हम अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखते हैं, भूल नहीं। श्रेष्ठ साधक वो है जिसके चेहरे की आकृति प्रशंसा और दोष के दोनों समय सम रहे। अब हमें कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमारा चेहरा एकदम खिल उठता है, और कोई हमारे ऊपर दोष लगाने लगे तो हम एकदम मुंह छोटा कर लेते हैं, एकदम चेहरा उतार लेते हैं। तो नारायण, ज्ञान की शुरुआत है, और भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं? भगवान यहां पर गोपियों के अज्ञान का ही तो हरण करने आए हैं, और किस लिए आए हैं? प्रभु यहां आए अज्ञान हरण करने के लिए। संतों ने कहा है, मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं भाई इस प्रसंग पर, संतों के मुख से सुना है कि भैया ये जो चीर हरण है ये अज्ञान का हरण है, क्योंकि महारास, महारास क्या है? जीव का ब्रह्म से मिलना महारास, और ये हर किसी के लिए नहीं है। हमारी स्कूल में 15 अगस्त के 15 दिन पहले से 15 अगस्त की तैयारी होती थी, तो छुट्टी से एक घंटा पहले 15 बच्चों को कहते कि जाओ तुम ग्राउंड में जाओ। हम कहते हमें क्यों नहीं भेजते हो? बोले ये 15 अगस्त के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, इसलिए इनको एक घंटे पहले ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। तो है तो वो भी विद्यार्थी ही, लेकिन उनको 15 अगस्त के प्रोग्राम में हिस्सा लेना, इसलिए उनको अलग से विशेष ट्रेनिंग दी जाती। प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, वो परेड करेंगे, नाच गान करेंगे। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, ब्रज में जीव तो बहुत रहते थे, लेकिन कुछ ब्रज जनों का चयन ठाकुर जी ने किया था महाराज के लिए, उनको यहां पर चीर हरण के माध्यम से एक विशेष बोध दे रहे ठाकुर, विशेष बोध दिया है, विशेष ज्ञान दिया है। मेरे प्रभु, भगवान के चीर हरण करने से गोपियों में गंभीरता आई। मेरे प्रभु, एक बार हमारे मित्र ने हमसे कहा कि क्या तुम खेलने के लिए चलोगे कबड्डी खेलने के लिए? हम बहुत अच्छा खेलना जानते कबड्डी, कभी कोई वो काम तो बताना तो कबड्डी खेलने के लिए चलो। तो हमने मनाही कर दी कि हम नहीं चलेंगे। तो उसने क्या किया, हम उस समय जो काम कर रहे थे उस काम में जो हमारी जरूरी चीज थी, जैसे हम कुछ लिख रहे तो हमारी कॉपी छुपा दी, और कॉपी छुपा करके कहा कि तू चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हमने कहा नहीं, हम नहीं चलेंगे, तुम हमारी कॉपी दे दो। तो उसने कहा तो पहले मेरी बात सुन। तब उसने अपनी बात कही कि देखो अपनी टीम इतनी है और तू भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं आएगा, तो फिर कैसे जीतेंगे, हल्की लगेगी, ऐसे ऐसे। तो हमने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और कहा ठीक है फिर चलता हूं। हालांकि उसने कॉपी दे दी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मान के मैं गया। तो मैंने ये महसूस किया कि उस समय मुझे जिस चीज की जरूरत लग रही थी उस चीज को उसने ले लिया है? तो उसकी बात को मैंने ध्यान से सुना, नहीं तो मैं नहीं सुनता। मैं
मैं अपना काम करता रहता, वो कहता रहता, मैं कहता रहे मुझे क्या, मैं नहीं चलता, कहता रहे तू मैं मेरा काम करूं। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन गोपियों को उस समय स्नान के समय वस्त्र जो थी वो जरूरी चीज थी, और वस्त्र ठाकुर जी ने चुरा लिया तो फिर अब गोपियां गंभीर हो गई ठाकुर जी की बात के प्रति, भाई इनकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कपड़े नहीं मिलने वाले। और ज्ञान गंभीरता के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान पाने के लिए गंभीर्य चाहिए। तो गोपियां गंभीर हुई है ठाकुर जी के वस्त्र चुराने से, और फिर ठाकुर जी ने उनको ज्ञान दिया है। मेरे प्रभु ज्ञान दिया है प्रभु, गोपियों ने अपना मनोगत कहा, मनोरथ बताया ठाकुर जी को, हे प्रभु हम तो आपको वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, हमारी इच्छा कब पूरी होगी। ठाकुर जी की चिंता मत करो, वर्ष भर के बाद में शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आएगी, और वर्ष भर के बाद वो शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि को मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा, उस समय तुम मेरे संकेत को समझकर मेरे पास चली आना। अब गोपियां इंतजार करती है कब आवे शरद पूर्णिमा, और प्रतीक्षा करते 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 महाराज समय निकलने लगा, और आखिर साल भर के बाद में महाराज वो दिव्य शरद काल की रात्रि आई, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, और श्री ठाकुर जी के उस वेणुनाद को सुनकर जो गोपी जहां थी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चली। मेरे भाई बहन ध्यान देना, भगवान की महारास लीला को जो लोग समझते हैं कि इसमें तो काम है कोई देह की बात है, तो ध्यान दें, सुखदेव जी ने महाराज के शुभारंभ में ही एक श्लोक ऐसा बोला है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये मनुष्यों का कोई देह क्रीड़ा का कार्य नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्तफुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। यहां पर दो बातें ध्यान देने, एक तो भगवान और योग माया। भगवान का शरीर काम युक्त नहीं है, हम लोगों के शरीर में काम है भैया, हमारे शरीर में मलमूत्र का विसर्जन होता है, दाढ़ी मूछ की उत्पत्ति होती है, लेकिन ठाकुर जी सदैव किशोर अवस्था के रहते, उनके कोई दाढ़ी मूछ का विकार नहीं, कोई मलमूत्र का विकार नहीं, प्रभु के ये विकार हम लोगों के, क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ इन्हीं पंचभौतिक तत्वों का है, लेकिन ठाकुर जी का शरीर चिन्मय है, नाशवान वस्तुओं से बना हुआ शरीर नहीं है। और ध्यान देना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच तत्वों से जिसका शरीर बना है उसके ऊपर काम का प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो इनसे परे है उसके ऊपर काम का प्रभाव नहीं हो सकता। तो इसलिए भैया भगवान की लीला में काम नहीं, और दूसरा भगवान ये गोपियों को बुलाए हैं, और दूसरा योग माया को साथ लिया है। योग माया किसको कहते, जोड़ने को योग कहते, योग यानी जोड़ना। तो योग माया क्या काम करती है, भक्तों के मन को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ने का काम करती है। इसलिए गोपियों के मन को ठाकुर जी से जोड़ने का काम कर रही है योग माया। यहां मन जोड़ने का काम है, शरीर जोड़ने का बात नहीं है। इसलिए मेरे नाथ भगवान ने वेणुनाद किया है, और वो बांसुरी सुनकर गोपियां जिस जैसी, ध्यान देना काम का शुभारंभ होता है श्रृंगार से, लेकिन गोपियां तो जो जिस अवस्था में थी वैसे ही चली, कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल डालियो दूसरे में डालियो ही ना, काऊ ने उल्टो ओढ़नी ओढ़ लियो, काऊ ने हाथन के गहना को पांव में पहन लियो, पांव को हाथ में पहन लियो, कान के कुंडल को नाक में डाल लियो, नाक की नथनी को कान में पहन लियो, उल्टी पटिया पाड़ ली। काम ऐसे नहीं होता महाराज,
सौंदर्य के बगैर काम को मौका ही नहीं मिलता है महाराज अपना असर करने का। श्रृंगार काम का सिंहासन है, श्रृंगार काम का सिंहासन है। काम को बैठने के लिए श्रृंगार का सिंहासन चाहिए मेरे प्रभु। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए श्रृंगार निषेध बताया कि कुछ श्रृंगार नहीं करे, तो श्रृंगार करेगा तो काम आके बैठ जाएगा। नारायण। तो भैया गोपी तो जैसी अवस्था में जैसी थी वैसे चली और चली हुई आ रही यमुना जी के किनारे, जहां ठाकुर जी विराजे हैं। चलिए महाराज हम भी चले यमुना किनारे। चलेंगे आप लोग भी सब? बोलिए ना। हाँ वाह बहुत सुंदर, प्रसन्नता हुई। चलिए चलते हैं, अभी तो चलना है आप लोगों को यमुना किनारे, जहां ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं और गोपी आई है। यमुना किनारे यमुना किनारे बजाओ रे। यमुना किनारे झिलमिल करे तारे, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का ललना, नंद जी का ललना, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। यमुना किनारे गाओ भैया गाओ, कल कल का दिन और है ना। जनिया पहन चोरी चोरी, पाँव में जनिया पहन चोरी चोरी, घर से चली रे देखो राधे गोरी गोरी हो गोरी, घर से चली रे देखो राधे गोरी हो, आई कदम के नीचे बांसुरी बजावे यशोदा का ललना, नंद जी का ललना, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। यमुना किनारे खटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राजा की भैया, नट खटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राजा की भैया, राज
राधा जी का नर्म कलेजवा नाचता था सैया भैया राधा जी का नर्म कलेजवा नाचता था सैया भैया नाचता था सैया भैया नाचता था जो पीत गगरिया छलकी सुनरिया ढलकी जिसे सुन सुन राधा जी का निर्जरता जिसे सुन सुन राधा जी का निर्जरता मधुर मिलन की छटा राधा मोहन के मधुर मिलन की छटा लेख कर उठी गगन में घटा पवन को हटा मेघ जो फटा बरसने लगा मूसलधार बरसने लगा वो पुल भी गा मिल कर तारे जहाँ बांसुरी बजावे अशोक कललना हो नंद जी कललना जिसे सुन सुन राधा जी का जी लगता हो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का हो यमुना किनारे
नारायण। सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के समीप आई और सब गोपियां जब श्याम सुंदर के समीप आई, श्याम सुंदर बहुत समय तक नेत्र बंद किए हुए वेणुनाद करते रहे और जब सब गोपिकाएं आ गई तब श्री ठाकुर जी ने अपने वेणुनाद को रोक दिया और गोपियों को देखा एक बार, मानो गोपियों को ठाकुर जी ने दृष्टिपात दीक्षा दी हो, उन्हें देखकर मानो दीक्षा दी, दृष्टिपात दीक्षा। मेरे प्रभु, भगवान कुछ देर तक गोपियों को देखते रहे, अब फिर प्रभु ने गोपियों को शब्द कहे। स्वागतं वो महाभागा, स्वागतं वो महाभागा, प्रियं किं करवाणिव, व्रजस्यानामय कच्चिद ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतं वो महाभागा, हे महाभागशालिनी गोप।